हेलो गाइस, मेरा नाम अंशुमन है और आज आप सभी के सामने मैं एक और वीडियो के साथ आया हूं। और इस वीडियो में मैं काफी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहूंगा, आपके न्यूट्रिएंट्स के बारे में। जो आप डाइट प्लान फॉलो करते हैं अपने जिम जाने के बाद, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आप कंज्यूम करते हैं, आपने सुना होगा कार्ब्स इतने रेशियो में, फैट इतने रेशियो में, प्रोटीन इतने रेशियो में, तो क्या होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। सो गाइस, आप सभी को खाना बहुत अच्छा लगता होगा, उसके स्मेल की वजह से, उसके टेस्ट की वजह से और उसके खाने के बाद जो आप सभी को प्लेजर मिलता होगा उसकी वजह से। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि फूड्स आर कंपोज्ड ऑफ मैनी केमिकल सब्सटेंस। सो उसके अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और कुछ यूजफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारी ह्यूमन ग्रोथ के लिए ही काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो जो यूजफुल केमिकल्स होते हैं फूड के अंदर, उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देयर आर सिक्स काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, द सेकंड वन इज प्रोटीन, द थर्ड वन इज लिपिड जिसके अंदर फैट एंड ऑयल होता है, द फोर्थ वन इज मिनरल्स, द फिफ्थ वन इज विटामिन एंड द सिक्स्थ वन इज वाटर। तो एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आप सभी को दे देता हूँ मैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट क्या होता है, प्रोटीन एंड और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आप सभी को और इसकी कैटेगरी भी आपको समझा देता हूँ। इससे पहले देखिए, जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। द फर्स्ट वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द सेकंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब वो होता है जो न्यूट्रिएंट्स हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। मैक्रो यानी कि लार्ज, आप नाम से ही समझ रहे हो कि मैक्रो यानी लार्ज। ऐसी न्यूट्रिएंट्स जो हमें डेली डाइट के अंदर लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो वही कहलाते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड द सेकेंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें डेली डाइट में स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो चलिए अब धीरे धीरे हम एक एक करके हर किसी मैक्रो एंड माइक्रो को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी को कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताऊं, आपको कुछ और चीज भी समझा देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि जो कार्बन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ह्यूमन ग्रोथ के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है उसको हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और जिसके अंदर नहीं पाया जाता उसको हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दोनों ही इक्वल अमाउंट में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो अब आपको बताता हूँ मैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बन, हाइड्रेट्स मतलब वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये आपने चीजें समझ ली कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है। इट इज द प्राइमरी फ्यूल सोर्स फॉर ह्यूमन बॉडी, स्पेशली आपके जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए, आपके फिजिकल एक्सरसाइज के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स किस फूड में पाया जाता है। आपके व्हीट हो गया, ग्रीन हो गया, राइस हो गया, आपका ये सारी चीजें, ब्रेड हो गया, ओट्स हो गए आपके, और कई सारी चीजें जो होती हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। फाइबर जो है, फाइबर भी इट इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप सभी को ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि जो फाइबर्स होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। देखिए दोस्तों, प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन जो है काफी ज्यादा आपने देखा होगा जिम वालों के अंदर तो बहुत ही ज्यादा क्रेज है कि प्रोटीन 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 लेना है, प्रोटीन शेक लेना है, वे प्रोटीन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होती क्या है। देखिए, आप जब भी जिम जाते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके मसल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, यानी कि उसको जब भी आप मसल एक्सरसाइज करते हो तो वो ब्रेक डाउन होते हैं, तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है। उसको रिपेयर करने का काम आपका जो है प्रोटीन करता है, यानी कि आपके जो मसल मेंटेनेंस के लिए, आपके रिपेयर के लिए, मसल को रिपेयर करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रिएंट, वही है आपका प्रोटीन। ये भी एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है और इसके अंदर आपका कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये सब मिलके प्रोटीन बनाते हैं जो कि एक चेन बनाते हैं जिसको हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा अमीनो एसिड के बारे में, BCAA के अंदर अमीनो एसिड होते हैं एंड और ये सारी चीज़ें।
तो ये आपका प्रोटीन है। जो प्रोटीन आपका कहाँ से मिलता है? प्रोटीन आपको चिकन ब्रेस्ट, एग हो गया आपका, सोया हो गया, टोफू हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए आपके, उसके अंदर आप सभी को प्रोटीन मिलता है। सो गाइस, जो फैट होता है, फैट यानी कि लिपिड्स, लिपिड्स के अंदर जो कैटेगरी होती है फैट एंड ऑयल की, लिपिड्स के अंदर पाए जाते हैं, तो ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप सभी ने मेरी अगर पहली वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मैंने आप सभी को कीटोजेनिक डाइट के बारे में बताया था, जिसके अंदर हमने हाई फैट लिया था, यानी कि फैट की क्वांटिटी को हमने इंक्रीज कर दिया था। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस आप अगर उस वीडियो में जाके देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि फैट क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फैट सॉल्यूबल विटामिंस होते हैं, फैटी एसिड से चेन से मिलके बनता है ये हमारा फैट। आपको जो आप सभी को पता होगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 4 कैलोरीज होते हैं, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होते हैं, एंड 1 ग्राम ऑफ फैट के अंदर 9 कैलोरीज होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे ये रीजन है कि आपका जो फैट है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है, बट इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि इसके अंदर कार्बन ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से इसके 1 ग्राम ऑफ फैट के अंदर आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। तो ये इसका एक रीज़न होता है कि क्यों हमें फैट से ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं। तो इसके अंदर आपके कई सारे फूड इंक्लूड है, लाइक आपका हो गया चीज़, पनीर, बटर एंड ऑल, सारी ये सारी चीज़ें जिसके अंदर फैट होते हैं आपके, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारा जो फैट हमारी बॉडी के अंदर। आप सभी को पता होगा कि कई सारे डिफरेंट टाइप के फैट होते हैं, लाइक देर आर 2 टाइप ऑफ फैट। अभी इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा आप सभी को, वरना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप सभी को बस मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ कि जिम वाले बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैट से भागते हैं कि फैट कट करना है, फैट ये करना है, फैट वो करना है। और अगर आपको फैट के बारे में समझना है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि कोई भी डाइट आप फॉलो करते हैं आप सभी, तो उससे पहले अपनी बॉडी को समझिए कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से अपने फैट के रेशियो को, अपने कार्ब्स के रेशियो को, अपने प्रोटीन के रेशियो को मेंटेन करके चलिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो हमें डेली डाइट के अंदर लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। सो गाइस, आप सभी को अब मैं बताना चाहूंगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल, आप सभी नाम से समझ गए होंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें डेली डाइट में स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इन कंपैरिजन ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके अंदर आपको बता दिया था मैंने, वाइटमिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं एंड वाटर आता है आपका। तो अब हम वाइटमिन के बारे में बात करते हैं। वाइटमिन जो होता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी डेली डाइट के अंदर। क्यों? आप सभी जो कार्ब से, प्रोटीन से, फैट से एनर्जी लेते हैं उसको यूटिलाइज विटामिन के थ्रू ही किया जाता है, और ये हमारे हेल्दी बोन, हेल्दी मसल्स, अच्छे ब्लड के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है विटामिन। और विटामिन भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक फैट सॉल्यूबल विटामिन, एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन। इसके अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा मैं आपको, नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में मैं सारे न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। सो गाइस, जो मिनरल्स होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि ये एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, और ये हमारे फ्लूड जो रेगुलेशन होता है उसके अंदर असिस्ट करता है, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर असिस्ट करता है, यानी हेल्प करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल, यानी कि वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस होते हैं, उसको एक्सक्रीट आउट यानी कि बाहर निकालने का काम भी मिनरल्स करता है। इसके अंदर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है हमारा मिनरल्स। तो इसके अंदर भी 2 कैटेगरी होती है आपकी, द फर्स्ट वन इज मेजर मिनरल्स एंड द सेकंड वन इज ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो, जैसे मान लीजिए आप डेली डाइट के अंदर जिनकी रिक्वायरमेंट 100 mg यानी 100 mg से ज़्यादा होती है, उसको हम मेजर मिनरल्स कहते हैं, लाइक आपका कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया एंड ऑल। तो ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं? ट्रेस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो आपको डेली डाइट के अंदर 100 mg से कम चाहिए होता है, लाइक आपका जिंक, आयरन एंड ऑल ये सारी चीजें। तो अब हम बात करते हैं वाटर के बारे में।
सो गाइस, अब आप सभी को मैं वाटर के बारे में बताना चाहूंगा। वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए। ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है और जिसका कि काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए। सो ये हमारे जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। आपको आगे आने वाली वीडियो में मैं एक पूरा वाटर के ऊपर बताऊंगा कि क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आपने सभी ने स्लोगन सुना होगा कि जल ही जीवन है, उसके पीछे एक रीजन है। आप सभी को मैं बताऊंगा कि क्या रीजन है उसके पीछे, कि क्यों वाटर जो है इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जिम जाते हैं, आपको वैस्कुलैरिटी एंड ऑल ये सारी चीजें चाहिए, तो उसके लिए भी आपको वाटर जो है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना। अगर आप नहीं समझते वाटर को और आप ऐसे ही छोड़ते हैं कि वाटर तो चलो कोई भी कभी भी पी लेंगे जब प्यास लगी, तो आप जो है गलती कर रहे हैं। आप सभी को वाटर की इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी और उसको जो है बचाने की भी इम्पोर्टेंस आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, अगर आप वेस्ट करते हैं पानी को, तो वो भी हमारे एनवायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो गाइस, आज ये मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी और आगे मैं आने वाली वीडियो में आपको न्यूट्रिशन साइंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगा, ताकि आप अच्छी तरह से हर एक न्यूट्रिएंट को समझ जाए और अपनी बॉडी को समझे, फिर उसके हिसाब से आप अपने डाइट को फॉलो करें। क्योंकि गाइस, हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप जिम जाते हैं वो सिर्फ 30% ही होता है आपकी बॉडी को बनाने के अंदर, आपकी फिजिक अच्छी फिजिक को डेवलप करने के अंदर। बाकी जो 70% का रेशियो होता है वो आपके डाइट का ही होता है। तो इसीलिए आप अपनी बॉडी को समझे, अपने डाइट प्लान को समझे, उसके बाद आप कोई भी चीज़ फॉलो करें। तो आई होप आप सभी को पसंद आई होगी आज की ये वीडियो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।